श्री जगदीश प्रसाद जी राठी, समाज के पूर्व अध्यक्ष महोदय, मेरे कार्य समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य महानुभाव, उपस्थित विशिष्ट महानुभाव, महिला एवं युवा साथियों, मेरे समाज में विगत 25-26 वर्षों से विभिन्न पद में एवं वर्तमान अनुभव किया है। मेरे कार्यकाल में मुझे सलाहकार लगाए संपूर्ण पूर्व अध्यक्षों का दिशा निर्देशन प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं सभी को नमन करता हूँ। मेरी कार्य समिति, महिला मंच, युवा मंच द्वारा मुझे पूर्ण सहयोग मिला, मैं सभी प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। श्री घनश्याम जी कालरा के कार्यकाल की पूर्ण सफलता की कामना करते हुए मेरा जो भी सहयोग चाहिए मैं उपस्थित रहने का आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। नवगठित कार्य समिति में अपना पद बोलेंगे। मैं अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुआ हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ समाज के उद्देश्य के अनुसार विधान तथा व्यवस्था में रही सकारात्मक सोच के साथ कार्य करूंगा। मैं इस संस्था की गरिमा अक्षुण रखने के लिए पूरी निष्ठा तथा लगन से समाज द्वारा आयोजित हरेक बैठक तथा कार्यक्रम में भाग लूंगा। धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ कर्मल से आगे आकर के खड़े हो गए। उपाध्यक्ष में श्री मुकेश जी का अपना पद बोलेंगे। उपाध्यक्ष में चयनित हुआ हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि समाज के उद्देश्य के अनुसार विधान तथा व्यवस्था में अक्षुण रखने के लिए पूरी निष्ठा तथा लगन से समर्पित होकर काम करने का आप सभी को वचन देता हूँ। इस पद पर कार्य करने के लिए मुझे आप सभी का सहयोग की पूर्ण आवश्यकता होगी, इसके लिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी का पूर्ण आशीर्वाद रहेगा। इसी आशा के साथ जय उमा महेश। शुभकामना मंत्रव्य के लिए मैं विवेक आप सभी ने मुझे मैसूर समाज ट्रैक्टर के अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त समझकर चुनाव किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, साथ साथ धन्यवाद देश देना चाहता हूँ। समाज को गतिशील एवं सेवामूलक बनाने के लिए समाज के सभी बंधु बांधवों का सार्थक सहयोग की मैं अपेक्षा भी करता हूँ। मेरी कार्यकारिणी समिति में गठित क्रियाशील टीम द्वारा सामाजिक सेवा कार्य को संपूर्णता में संपादन करने का प्रयास किया जाएगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा एवं अपेक्षा है और इसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। इस संदर्भ में आप सभी समाज बंधुओं की राय, सलाह, सुझाव की मुझे हमेशा अपेक्षा रहेगी। मेरी बाई तथा दाई भुजा महिला तथा युवा मंच है जो कि पूर्ण सक्रियता के साथ सामाजिक सेवा कार्य को अभी तक संपन्न करते आ रहे हैं। मुझे और मेरी टीम इन दोनों अभिनंदनों की हमेशा आवश्यकता रहेगी और इनका सहयोग एवं साथ हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वर्तमान समय में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ समन्वय करके सामाजिक गतिविधि के संदर्भ में सेवा सहयोग एवं प्रतिष्ठित सह अस्तित्व के विचारधारा को स्थापित करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। मेरे द्वारा भावी कार्यक्रम की रूपरेखा कार्य समिति की बैठकों से निर्णय कराने के पश्चात समाज जनों के सामने आएगी। मैं समाज द्वारा किए जाने वाले शेड्यूल कार्यक्रम जो हर एक वर्ष होते हैं वो निरंतर होते ही रहेंगे। मैं श्री समाज युवा महिला की कार्य समिति बैठक अन्य सामाजिक भवनों में अभी तक होती आई है, जबकि घोड़ापुर चौक में अपना सचिवालय है। मैं संपूर्ण बैठक में उसी सचिवालय में हो ये व्यवस्थित करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। समाज के चातुर्दिक विकास के लिए व्यक्तियों, युवाओं, महिलाओं को प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आगे के दिनों में भी होता रहेगा। संगठन में ऊपर से नीचे तक हमारे इतने सारे संगठन है कि तो प्रशिक्षण के अभाव के कारण सीमित समाज जनों के अलावा ज्यादातर समाज बंधुओं को इसकी जानकारी नहीं है।
जो महासभा ने जोधपुर का शक्ति बैठक में पारित किया है, जो कि हर एक जिला प्रदेश संगठनों का करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में युवा महिला मंच के संयुक्त आयोजन में लगने वाले भव्य शिविर में आवश्यक वक्ता तथा प्रशिक्षण महासभा से उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इसका प्रयास करूंगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैसे इफेक्टिव स्पीच ट्रेनिंग, गुड ऑर्डर एंड कंडक्ट में मीटिंग करने का ऑर्गेनाइज करने का तौर तरीका, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये तमाम तालीम जो दिए जानी चाहिए नेपाल के छात्र स्पीकर ट्रेनर के द्वारा कराने की मेरी आगे की योजना है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के युवा बंधु वगैरह पूर्ण रूप में हिस्सा लेंगे। बंधुओं, महासभा की कार्यशक्ति बैठक जो अपने बैठक में लगभग 27-28 वर्षों से नहीं हुई है, उक्त बैठक का आयोजन कराने का प्रयास करूंगा। मैं महासभा कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ हूँ, श्री प्रसन्न जी भी अभी महासभा कार्यशक्ति में हैं, और मैं समाज जन महासभा से जुड़ा रखे हुए तमाम सदस्यों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में उनका पूर्ण सहयोग मुझे मिलता रहे, मेरी एक महासभा की कार्यशक्ति बैठक की प्लानिंग भी रहेगी। धन्यवाद। अब इसी संदर्भ में मैं अब मेरी कार्य समिति को समितियां जिन्हें मैं घोषणा करने जा रहा हूँ, मेरे कार्यकाल के सफल संचालन और संपादन के लिए जिसकी आवश्यकता भी पड़ेगी मैं उनमें नामावली प्रस्तुत करती हूँ को मैं नियुक्त किया हूँ। महेश को इसके संचालन के लिए संयोजित में श्री संजय जी सोमानी हेल्थ योगा कमेटी जो गठित की गई है उसमें डॉक्टर आर के साहू और डॉक्टर सुश्री नियुक्त किया हूँ। सोशल कोऑर्डिनेशन कमेटी समाज के इतर वर्ग के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों के साथ भी समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह करने के लिए श्री मनोजित मुंदड़ा, श्री रमेश जी हिणानी, श्री ओम जी राठी को नियुक्त किए हैं। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम के लिए और उनके प्रोत्साहन के लिए श्री सुनील जी बेड़ा और श्री अमित जी राठी को। प्रेस एंड मीडिया यानी प्रचार प्रसार से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनको दिशा निर्देश देने के लिए श्री अंकित जी मारू और श्री हरिवंश जी राठी को नियुक्त किए हैं। समाज के सभी अनुभवी सक्षम एवं मूर्धन्य व्यक्तित्व का यहाँ पर हमारे विराटनगर में उपस्थिति हमेशा रही है, किंतु मुझे खास करके ये अनुभव हुआ कि समाज में खास करके मैं जब अपना कार्यकाल आरंभ करूंगा तो मुझे एक सलाहकार की भी आवश्यकता होगी, और इस संदर्भ में मैं समाज के अनुभवी सक्षम एवं मूर्धन्य व्यक्तित्व के रूप में श्री चंपा जी राठी को सलाहकार के सहयोग मुझे आगामी के दिनों में मिलता रहेगा, और मैं इसी संदर्भ में भाई साहब को ससम्मान मंच पर आने का आग्रह करता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसी परिपाटी को आगे ले जाते हुए श्री घनश्याम जी काबरा भी महेश्वरी समाज को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। उनको अब उनकी सफल कार्यकाल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय जिसमें एक इम्पोर्टेंट था कि आज की अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच कहें या स्वीकृति भाषण कहें उसमें घनश्याम जी काबरा ने तुरंत ही ये अनाउंस भी किया है कि हम कार्यकाल की शुरुआत एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के साथ करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और एक आग्रह और करना चाहूँगी कि जब हम पूजा में माँ उमा को भगवान महेश के साथ स्थान देते हैं तो कृपया अपने उद्घोष में भी भगवान महेश के साथ माता उमा को कृपया स्थान दीजिए। और आज का जो सुंदर एक्सेप्टेंस स्पीच या स्वीकृति भाषण घनश्याम जी काबरा के द्वारा दिया गया उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, और आगामी कार्यकाल के लिए पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाला कार्यकाल बहुत सुंदर तरीके से और सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेगा। मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तिगण इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मान्यजन तथा युवा महिला सज्जन भी, मैं आनंद राजू सभी को व्यास आदर महेश उमा महेश। सर्वप्रथम महेश्वरी समाज विराटनगर के नवनिर्मित अध्यक्ष सहित पूरी टीम को नेपाल में महेश्वरी परिषद तथा संगठन द्वारा बधाई तथा कार्यकाल सफलता की शुभकामना देना चाहता हूँ। आगामी दिनों में इस टीम के साथ
परिषद का कोऑर्डिनेशन और आगे मजबूत होगा। कार्यक्रम में सबका यही होता ही है, साथ में परिषद की बैठक में होस्ट करने का अवसर भी इस टीम को लेना पड़ेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी समाज के व्यक्तियों विभिन्न प्रकार के परीक्षण कार्यक्रम में आयोजन ही ऐसी आवश्यकता की महसूस की गई है, क्योंकि संकलावत स्थानीय महासभा के समाज के इतने संगठन हैं और आम समाजन समझना काफी मुश्किल है। सीमित समाज को इस बारे में जानकारी है। परिषद के पूर्वांचल क्षेत्र जिसमें मेची सुनसई सगरमाथा को भी ऐसे कार्यक्रम इच्छुक बंधुओं को सम्मिलित करना चाहते हैं, जो घनश्यामी काबा ने बोले थे जो परीक्षण में जो अपना परीक्षण के लिए उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साथ में मेची सुनसई और सगरमाथा को भी अपने को लेकर चलना चाहिए। परीक्षण की शर्त में ई पत्रिका भी निकाली गई है परीक्षण ने, और इस आप कार्यक्रम की जानकारी ई पत्रिका के समावेश कराने के लिए परीक्षण के संगठन सचिव श्री राजेश जी लखोटिया को समाचार प्रवाह करने की जानकारी दे सकते हैं। पत्रिका के छप जाएगी और इस सब भावना को पूर्ण नई टीम को ढेर सारी बधाई। जय उमा भाई आज मैं इसी समाज का अध्यक्ष में आया है, और एसोसिएशन में जब पूरी टीम खड़ी हुई तो बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई कि सारा का सारा एकदम नौजवान यंग नई विजन वाला और बड़ा सक्रिय और सक्षम व्यक्ति लोगों की पूरी टीम है। बड़ा मजबूत है और कार्यकाल मैसी समाज विराटनगर को यहाँ तो दो भुजा है, महिला और युवा में खूब सक्रिय है, और दो योजना है, एक महेश होमियो और एक महेश कोस, ये दोनों भी आपका काम खूब बढ़िया ढंग से करे है। समाज को काम है कि आपके ऊपर निगाह रखे, आप पर नजर रखें और काम ठीक ढंग से चलते रहे, परिषद के कार्यविधि को अनुसरण करें। मैं इस नौमी को उत्सव हम आप महत्वपूर्ण उत्सव इन बढ़िया मना रहे और प्रशिक्षण यहाँ का कार्यक्रम जोरदार ढंग से लावे, और आप उम्मीद है आप घनश्याम जी बोले भी है आप स्पीच में कि मारो मेन रक्ष प्रशिक्षण के कार्यक्रम में दसी, और जिससे कि लोगों ने काम योग्य होने को मौका मिला। अब दो बातें और करनी चाहूँ मैं, एक तो चिंता की है, गर्व की है। चिंता की बात यह है कि आर्थिक मंदी को 2 साल जीव है, बड़ो भरी प्रकोप है, और यहाँ मेरे मन में एक तो देखने की चीज है। दूसरी बात अब कुछ तत्वों के जरिए मारवाड़ी समाज के ऊपर प्रहार हो रही है, तो ये बात में भी दोनों बातों अपन सावधान रहने की जरूरत है। समय आ गया, आज 2 है, काल 20 हो सकता है, परसों 50 हो सकता है, आप में से ही चक्कर रमान कोई भी पढ़ सकता है। ये मतलब मैं कौन पढ़ूँ, तू पढ़ गयो, तू पढ़ गयो, तो मैं कौन पढ़ूँ। अपन ने जो भी पढ़ा है हरेक की अपन वकालत करनी चाहिए, क्योंकि संकटपूर्ण स्थिति है। मैं तो अच्छा गुण देख रही हूँ नजरियो, क्योंकि लोग देता है मैं लारे पड़ रहा है कुछ जी आपकी सामने आ रही है, कुछ घटनाक्रम भी यह ही है बीच में। दूसरी गलत करने लायक की बात आ है कि 55 वर्ष के इतिहास में ऐतिहासिक रथ यात्रा जो संपन्न हुई बिन मायने, पहली बार मारवाड़ी बोलने में सुनी, यानी नंदकिशोर जी राठी भगवान की मूल पूजा करी और बैठे आरू भगवान की पूजा करी। अब 55 वर्ष में पहली बार है, क्योंकि मैं तो 55 वर्ष से ही जुड़ी हूँ मंदिर में,
और भी मंदिर में मैंने हालांकि अपन उठे कोई खास ऋण को नहीं, लेकिन फिर भी आप दबाव बना के रखा, बट अपन हर का समिति में कम से कम 3 बार बड़ी जब है जगह में सहयोग से भगवान की कृपा से 3 मैसेज किए आज के दिन भी मैं 2 पदाधिकारी भी है रथ यात्रा निर्माण में भी फिर से आज के दिन अपन काफी निर्माण में अपन दखल है और अपन भी अंतरियां अच्छे ढंग से संचालन करना चाहूँ कर रहा। तो अगर्भ की बात है, ये वास्तव गर्भ की बात भी आपने बता दी और समाज की उन्नति हुए, समाज बंधु सभी कुछ बार के व्यक्ति रहते हैं लेकिन उनका नंबर कभी आया नहीं, इनका नंबर पहले आया हुआ था अध्यक्ष के लिए लेकिन कोई ओवरटेक होकर के ये वंचित रह गए, लेकिन इस बार इनको अध्यक्ष का मौका मिला है तो ये बहुत ही गौरव की बात है और मैं उसमें अध्यक्ष आशीष बधाई देता हूँ। मैं 2009 साल में स्थापना हुई थी तो उसका मैं संस्थापक सदस्य हूँ। 2009 जब नेपाल में पहली बार भेजी और डॉक्टर भी थी और परिषद भी नहीं थी तो यहाँ एक तो व्यक्ति अभी यहाँ उपस्थित है जिसके हम लोग संस्था सदस्य हैं तो ये लोग याद भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। हम लोग 2-4 साल मेंबर में चले जाएंगे लेकिन आपको बात में करने वाले कोई नहीं, हम लोग खरी बात बोलते हैं, जो अच्छी बात लगती है वही बात बोलते हैं। यहाँ यस यस मेन वाले नहीं है हम लोग कि इसी हम यहाँ बढ़ जाएंगे तो पोस्ट ले लेंगे कुर्सी में लेकर बैठ जाएंगे, तो इस तरह का हम लोग काम नहीं करते हैं। तो इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ और पिछली बार जब साधारण सभा हुई थी उसमें मैंने बहुत बड़ा था उस समय आनंद जी मारो अपने को निवर्तमान अध्यक्ष पहले बोल दिए थे लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष आज भी है, वो साधारण सभा में निवर्तमान अध्यक्ष बोल करके अपने को उनको माला बनाए थे लेकिन निवर्तमान अध्यक्ष आज भी कुर्सी छोड़ के उनको टाइट दी है तो आज से निवर्तमान अध्यक्ष होंगे आनंद जी मारो। ये बात दूसरी बात क्या कि ये लोग जो मीटिंग का हाई लेवल की बातें करते हैं, मैं श्री अखिल भारतीय का ये प्रोग्राम होना चाहिए, ये कार्यक्रम प्रशिक्षण होना चाहिए, तो होना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगी पहले 350 घर है विराटनगर में, उनको जोड़िए, उनको घर से एक एक निकालिए, घूम फिर के 50 आदमी यही हम लोग दिखाई देते हैं, ये मीटिंग में आते हैं, ये कमेटी में आते हैं, सभी आते हैं, नए नए आदमी बुलाइए, नए जोड़िए तो आपसे जुड़े रहेंगे। आप बहस्तमी का पैसा सबसे उठाते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होगा क्या प्रोग्राम होता है क्या नहीं होता है, तो मैं आग्रह करूँगा कि वो कार्यक्रम तो करिए आपके हैसियत के अनुसार जो भी है लेकिन समाज में जोड़ने का काम भी कीजिए। अगर समाज सब लोग जोड़ेंगे तो आपके साथ वो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे वो कट्टा हो जाएंगे। आप 150 आदमी जो है वही मिलिए, वही आप कमेटी में आइए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं स्वामी के बारे में कहता हूँ, मैं स्वामी दातव्य के लिए उसके अगल बगल के लोगों को रखना चाहिए कि उनको जानकारी हो मैं स्वामी में क्या होता है नहीं होता है। आप यहाँ 5-7 नाम एक नाम बोल दिया उसके हिसाब से नाम रख लिए तो मैं वो लोग आते जाते रहे हैं रहते मैं स्वामी में क्या होता है नहीं होता है, तो वैसे लोगों को उसमें रखना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वो दिन में उनका जानकारी रहेंगे, उनको चाहते रहेंगे वहाँ मैं स्वामी में। अब वो 3 पेनी वाले को रख देंगे मैं स्वामी लोग कितनी बार जाएंगे वहाँ, तो इसलिए मैं पुनः ये बात कहते हुए कि लोग समाज को जोड़िए, समाज जुड़ नहीं रहा है। हमको बहुत लोग हमें शिकायत दिए कि हम लोग पता ही नहीं चलता क्या क्या प्रोग्राम होता है, मैं इस सभा का मैं समाज का क्या होता है। तो मैं पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो ये बहुत सरल स्वभाव के हैं, सबसे मिलनसार है, सबसे मिलते रहते हैं, इनको हम लोग पहले प्रपोज किया था अध्यक्ष लेकिन किस कारण कोई कारण नहीं उसका। नवल जी काबरा मेरे कार्यकाल में वो कमेटी मेंबर नवल जी काबरा थे, मैं जब अध्यक्ष था तो राजस्थान जोड़ कमेटी में रखा था, बहुत से लोग उसमें जुड़े मेरी कमेटी में रहे थे। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि इनका कार्यकाल बढ़िया हो और सफल हो और मुझसे जो भी काम हो हम लोग खरी बात बोलेंगे, हम लोग किसी की चमकागिरी करने वाले नहीं है, चाहे हम लोग कमेटी में रखे या नहीं रखे, हमको रहना भी नहीं है कमेटी में, कितना रहेंगे, 2-4 साल की मेहमान है, हम लोग रहने वाले भी नहीं है। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूँ आपका कार्यकाल बढ़िया हो। अरे हम लोग इसीलिए हमको याद करते हैं लोग, यही आदमी बोल सकता है, हम लोग बोलो कुछ कराते हैं बोलते तुम ये बोलो अपने नहीं बोलेंगे, हम तो बोलते हैं, हम तो बोल देते हैं मनमन की बात। मुझे बोलने में नहीं दिया जाता है, अपने मान के बोल रहा हूँ, बोलने का मौका नहीं दिया। अध्यक्ष आनंद जी महाराज को अपने कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद। कार्यक्रम के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री घनश्याम जी काबरा, विशिष्ट अतिथि नेपाल मैसूरी परिषद के पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्री आनंद जी जाजू, सम्मानित मंच तथा यहाँ उपस्थित समाज के अग्रज मान्यजन, युवा महिला सज्जनगण, सभी से मेरा सादर जय महेश। सर्वप्रथम नवगठित मैसरी समाज विराटनगर
अध्यक्ष सहित संपूर्ण आज ऊर्जावान टीम को बहुत बहुत बधाई तथा कार्यकाल सफलता की शुभकामना देना चाहता हूँ। बंधुओं, अध्यक्ष जी ने अपने स्पीच में दो चीज उल्लेख महत्वपूर्ण उल्लेख किया है, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर जोधपुर कार्य समिति बैठक में सबसे पहला कार्यक्रम यही है, कार्यकर्ता प्रशिक्षण हरेक जिला स्थानीय सभा को तथा प्रदेश सभा को करना अनिवार्य है। और नए अध्यक्ष जी ने ये अपना शेड्यूल भी यहाँ घोषणा किया है, तो बताया है, इसमें बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज हो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो, मीटिंग के प्रोटोकॉल संबंधी सारी चीज़ों का भी इन्होंने प्रशिक्षण देने का अपना शेड्यूल में बताया है। तो वास्तव में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में संगठन की सुविधात्मक संरचना भाई आज सकलात्मक जिला से लेकर स्थानीय से लेकर प्रदेश से लेकर उसके बाद महासभा तक इतने संगठन हैं, आम आदमी को आम समाजन को ये चीज़ें मालूम नहीं होती है, तो इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर आवश्यक है। महासभा की बार बार कहती है आपको स्पीकर या ट्रेनर आवश्यकता हो तो आप हम लोग भेज सकते हैं टाइम शेड्यूल मिला करके। तो जब भी आप जिला को आवश्यकता पड़े, प्रदेश को आवश्यकता पड़े, हम लोग एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए भेज सकते हैं। तो मेरा आग्रह है ये जल्दी से जल्दी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर ये वृंदावन बैठक जो होगी जनवरी में महासभा की, इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि पहले करा ले तो हम लोग को वहाँ जाकर बोलने में सुविधा रहेगी कि पहला कार्यक्रम हम लोग विराटनगर में करा चुके हैं। महासभा ने ऐसे तो बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा है कि ये संगठन सत्र का नाम मैं दे रहा हूँ, जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, महामंत्री की आवश्यकता होगी या कोई पदाधिकारी आवश्यकता होगी, मैं जिला स्थानीय सभा में भेज सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को कोई प्रतीकात्मक या दिखावटी कार्यक्रम नहीं करना है। संगठन का कैसे मजबूत हो, जुड़ाव कैसे हो, व्यक्ति का युवा का जुड़ाव कैसे हो, महिला का जुड़ाव कैसे हो, इसके बारे में बहुत चिंतित है महासभा। और वो कार्यक्रम आप नए अध्यक्ष जी अगर कोई भी करेंगे तो महासभा से लाने के लिए हम लोग तो आप भी महासभा से जुड़े हुए हैं, हमारे अभी सलाहकार चंपा भाई भी महासभा में रह चुके हैं और भी हमारे अग्रज यहाँ इस सभा हो गए हैं, तो हम लोग महासभा से कोई भी पदाधिकारी ला करके कोई भी काम करा सकते हैं। महासभा तो चिंतनीय विषय दो है, सबसे बड़ा चिंतनीय विषय पहला है युवाओं का जुड़ाव कम हो रहा है, क्योंकि युवा क्या है कि आजकल इंटरनेट क्लब है, रोटी क्लब है, राउंड टेबल है, जैसी है, लाइंस है, इस सब क्लबों में जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, इससे हम लोग के समाज का जुड़ाव कम हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम में आकर्षण नहीं रहता है, हम लोग के कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम कम हो रहे हैं, हम लोग भी उसी प्रोग्राम में चले गए हैं, हमारे समाज के पैसे उसी में जा रहे हैं। आज समाज को ये जरूरी नहीं है इसको एडोप्ट करके, हमारा समाज का उद्देश्य के विपरीत काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज का पैसा है तो समाज के काम ही आए। इसको एडोप्ट तो इंटरनेशनल कर्म करते हैं या कोई बाहर में कोई आप 1,50,000 का काम देश के लिए करना चाहते हैं तो करें जरूर, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो प्रोग्राम भी करने जरूरी है, परसेंटेज में आप बांट करके कर सकते हैं भाई 60-70% कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हो, हमारा विधान तथा व्यवस्था भी समाज के लिए ही है, तो बाहर नहीं जाए 10-20% प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरी चिंता है समाज को महासभा को घटती जनसंख्या, हमारे समाज की जनसंख्या 5-6 लाख हम लोग बोल रहे हैं, एक्चुअल में है कितनी पता नहीं है किसी को भी, लेकिन आने वाले महासभा का 20 वर्षों का है, 20 वर्ष बाद ये जनसंख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे कम हो रहे हैं, जनसंख्या घट रही है, तो महासभा अभी से ही सतर्क हो गई है, सचेत हो गई है कि भी कम से कम युवा संगठन और महिला संगठन इसमें अवेयरनेस के रूप में इसको अपने प्रोग्राम में लेकर के जनसंख्या के ऊपर ज़्यादा जनसंख्या नहीं घटे समाज की, जनसंख्या का कम से कम अपना रहेगा एवरेज रहेगा, कभी तक ये हम लोग आगे कर सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं, बड़े बड़े हम लोग कर रहे हैं, हमारे जनसंख्या के बारे में भी सोचना चाहिए।
अध्यक्ष जी ने विराट नगर में महासभा की कार्य समिति की बैठक 27 वर्षों से नहीं हुई है, आगे एक बार हो चुकी थी कार्यकारी मंडल 1996 में, ये 27 वर्षों में नहीं हुई है, इसके लिए वहाँ ने उन्होंने अपने प्रोग्राम शेड्यूल में रखा है। तो वृंदावन बैठक में हम लोग जाएंगे, वहाँ बात रखेंगे। तीसरी बैठक होगी वृंदावन में, दूसरी बैठक तो भिंडवाड़ा में है 28-29 अक्टूबर कार्य समिति की, तीसरी बैठक 6-7 जनवरी को है, वहाँ बात रखेंगे। चौथी मिले, पांचवी मिले, छठी मिले, पहले अपने कार्य समिति में आप निर्णय करा लीजिए, या वृद्ध बैठक समाज चुनौती करके इसमें निर्णय करा लीजिए। चौथी पांचवी या छठी कोई भी बैठक आप होस्ट करना चाहेंगे तो वहाँ बात करके आपको वृंदावन बैठक से पता लग सकता है। बंधुओं, समाज का दो अयोध्या में अभी समाज के दो भवन बन रहे हैं, हमारे नेपाल से भी करोड़ों रुपये गए जा रहे हैं, बहुत शौर्य भवन जो 200 करोड़ की लागत से बन रहा है, और एक महेश्वरी जन उद्योगी भवन वो करीब करीब 80-100 करोड़ की लागत से बन रहा है, दोनों का काम स्टार्ट है। आने वाले समय में महेश्वरी समाज का वहाँ अयोध्या में भी एक नाम स्थापित होगा, एक महेश्वरी समाज की भी वहाँ राम मंदिर के साथ साथ महेश्वरी समाज का भी अपना शौर्य भवन और महेश्वरी जन उद्योगी भवन, हमारे नेपाल से भी कम से कम 2-3 करोड़ रुपये गए हैं, जा रहे हैं, अभी उसे जाने के क्रम में कुछ पैसे गए हैं, उस साल भी जा रहे हैं, अगले साल भी जा रहे हैं, विराटनगर से गए हैं, काठमांडू से जा रहे हैं, बहुत दाताओं ने दिए हैं, तो ये आप सभी को मालूम ही होगा। तो ये जो बन के तैयार होगा तो इसके बाद में हम लोग जब अयोध्या जाएंगे तो ये हम लोगों का महेश्वरी समाज की ये चीज़ बनी है। इतना कहते हुए तथा और भी कोई नई टीम जो बनी है आगामी आने वाले दिनों में आपके नेतृत्व में घनश्यामदाई समाज नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मंत्री यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। आज धन्यवाद ज्ञापन करने का जो तिवारी दी गई है, उससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वीकारोक्ति भाषण में बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले दिन में सबको उपस्थित होंगे, कुछ कार्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उन्होंने पहले लोगों ने अपने बात में रखी है। एक तो कार्यक्रम जो कि अपने जितने कार्यकारी समिति है जैसे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के बारे में जो जोरदार आवाज उठ रही है वो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दूसरा हमारे जो से पूर्व कार्यकाल में पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष श्री आनंद जी मानवीय कार्यकाल में एक सचिवालय को व्यवस्थित सचिवालय को एक मूर्त रूप देखने का हम लोगों ने योजना बनाई थी, वो उस समय बहुत सारे काम आगे बढ़े थे ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, और अब ये कार्यकाल में इसको अपने लक्ष्य को मूर्त रूप में देखेंगे और एक व्यवस्थित सचिवालय होगा, इससे अपने जो तीनों विंगों के मेरे जो अध्यक्ष जी से जिस दिन अपना साधारण सभा थी उसी समय मैं चलते चलते उनको भी ये रिक्वेस्ट किया था, और आज उनके स्वीकार को इस बीच में आने पर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, और अभी बहुत सारे युवाओं ने बहुत सारे विभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण पदों में एक समाज में व्यक्त बहुत सारी चीज़ों को चिंताएं जताई है, उस पर अपने लोगों को गौर करने की बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में सभी उपस्थित महानुभावों को यहाँ मैं सब तक देख रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी लोगों की उपस्थिति, बहुत ही धन्यवाद सभी उपस्थिति के लिए, और सबको तहे दिल से दोस्तों मैं उन्हें व्यक्तिगत तरफ से और संस्था की तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण नहीं समाप्त समाप्त करता हूँ। जय महेश। और इसके बाद मैं सभी को अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसको ग्रहण करने का प्रयत्न करता हूँ।